नेपाली करेंसी है उसके मुताबिक आपको 30 रुपया यहाँ पे करना होगा, और यदि इंडियन रुपीज़ आप लेके आते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम लोग सोच रहे हैं कि अब पूरा प्रॉपर नेपाल जाया जाए, जो वहाँ का जो नेपाल का जो प्रसिद्ध चीज़ है वो आप लोग को दिखाया जाए। और देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, यहीं पे जितने भी इंडिया से आते हैं लोग उनका कागज़ यहीं पे चेक होता है और यहीं से उनको इजाज़त मिलता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 4 व्हीलर के लिए ही ये सिर्फ ये लागू है कि आप यहाँ पे आते हैं और इमिग्रेशन मतलब उनका कागज़ वागज चेक होता है सिर्फ 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर और पैदल जो भी जाते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो 4 व्हीलर हैं उनके लिए ये सब नियम लगाया जाता है कि अगर आप इंडिया से कुछ लेकर जाते हैं, अगर कपड़ा वपड़ा कुछ लेकर जाते हैं तो उसका भी चार्ज लगता है। और फ्रेंड्स, यदि आपको इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करना है तो आपको बॉर्डर पे ही ऐसा स्टॉल मिल जाएगा, एक्सचेंज करने का ऐसा स्टॉल बहुत सारा है, आप आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत होती है कि यदि नेपाल जाएंगे तो पैसे का एक्सचेंज कहाँ से होगा, पैसे एक्सचेंज कहाँ से करेंगे। तो आप नेपाल बॉर्डर पर यदि जाते हैं तो आपको ऐसा साइड से स्टॉल बहुत सारा काउंटर लगा हुआ रहता है, आप वहाँ से आसानी से नेपाली करेंसी में अपने इंडियन करेंसी को बदल सकते हैं। तो आइए हम भी कुछ पैसे को बदलते हैं। सो फ्रेंड्स, यही है नेपाली करेंसी। हमने 100 रुपया दिया और उन्होंने 100 रुपये के बदले 160 रुपये मुझे नेपाली करेंसी में बदल कर दिया है। तो देख सकते हैं यही है नेपाली करेंसी। सो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं नेपाल के घरियाल पोखर में, क्योंकि ये काफ़ी यहां का घरियाल पोखर काफ़ी फेमस है और मुझे काफ़ी बोलने में खुशी हो रही है कि मैं इस वक्त नेपाल में हूं, जो कि मेरा मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इंडिया से बाहर हूं, मतलब अदर कंट्री में हूं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये घरियाल पोखर, ये नेपाल का काफ़ी फेमस है, ये वीरगंज में है ये। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये पोखर काफ़ी गहरा है, और इधर मैं आपका व्यू अगर दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं वो जो आप जो देख रहे हैं वो पशुपतिनाथ, जो नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है उससे कुछ रिलेट करता है, देख सकते हैं उसी का ढांचा दिया गया है। और इधर कुछ इस टाइप का बनाया गया है घूमने में का, उधर कुर्सी वुर्सी लगा हुआ है, बैठ सकते हैं आप। तो बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, लग नहीं रहा है कि मैं नेपाल में हूँ, बिल्कुल अपना सा लग रहा है। और वो मेरे एक्सप्रेशन से आप लोग देख सकते होंगे कि मैं कितना खुश हूँ नेपाल आकर, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इंडिया से बाहर आया हूँ, मतलब कंट्री, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट घूमना चाह रहा था बट ये मैं अदर कंट्री आ गया, इंडिया से अलग नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे आने के लिए कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं लगता है, बस आपको अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको कुछ इमिग्रेशन लगता है, कागज़ वागज चेक होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। बट अगर 2 व्हीलर से आते हैं या कुछ ऑटो या बस से आते हैं तो आपको ऐसा कुछ लगता नहीं, आप आसानी से आकर इस नेपाल कंट्री का मज़ा ले सकते हैं। और चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको कुछ इस घरियाल पोखर का कुछ दृश्य दिखाते हैं, सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, आप लोग इन्जॉय करें और मैं भी इन्जॉय करता हूँ। See where it leads, just you.
पर बोट का भी व्यवस्था किया गया है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये, वहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो कुछ लोग वहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर बोट वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है ये इस घरियार पोखर का, नेपाल का घरियार पोखर जो कि वीरगंज में स्थित है ये। और देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं इंडिया और नेपाल का फ्लैग जो है, इंडिया को तो नहीं कह सकते, यहाँ पर देख सकते हैं बजरंग वली का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर झंडा बजरंग वली का जो कि जिसे कह सकते हैं पताखा कह सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है नेपाल का फ्लैग और यहाँ पे बजरंग वली का फ्लैग जो कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इस पोखर के बारे में, तो पढ़ लीजिएगा, सकते ये है नेपाल का नंबर, जो कि अगर नेपाल का गाड़ी को अगर पहचानना है तो इस तरीके का नंबर हर नंबर प्लेट पर लिखा हुआ रहता है। देख सकते हैं आम इंडिया के जैसा ही यहाँ पर गाड़ी है, बजाज देख सकते हैं यहाँ पर, बजाज डिस्कवर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पल्सर हो गया और यहाँ पर हो गया प्लेटिना। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भगवान सूर्य देवता का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जो मैं आपको बोला था कि ये पशुपतिनाथ मंदिर से ये प्रेरित है, तो उसी टाइप का ये बनाया गया है। और नीचे भगवान सूर्य देवता का मूर्ति स्थापित है, यहाँ पे सूर्य देवता का फेस यहाँ पे। और ये रहा आपका पोखर, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा। और फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वीरगंज से, मतलब जो बॉर्डर था नेपाल का, वहाँ से मैंने वीरगंज के लिए वहाँ से ऑटो किया था, जो कि वहाँ से अगर आप आते हैं वीर इस पोखर में आना चाहते हैं तो आपको पहले एक ऑटो लेना पड़ेगा और जो नेपाली करेंसी है उसके मुताबिक आपको 30 रुपये यहाँ पे करना होगा। और यदि इंडियन रुपीज़ आप लेके आते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन करेंसी में आपको 20 रुपये लगता है और नेपाली करेंसी में आपको 30 रुपये लगता है वीरगंज आने में। तो ये वीरगंज में ये स्थित है ये पोखर, ये काफ़ी बेहतरीन पोखर है, ये घरियाल पोखर इसको कहते हैं। नेपाल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने घूम लिया नेपाल का पोखर, अब चलते हैं अब इंडिया की तरफ, हमारा अपना देश इंडिया, वहाँ चलते हैं। और रक्सौल स्टेशन पे अभी हम लोग का ट्रेन है नरकटियागंज के लिए, जो कि 5:30 बजे है, और वहाँ भी हम लोग को जाके कुछ बेहतरीन चीज़ को एक्सप्लोर करना है वहाँ भी। तो आप लोग मेरे वीडियो में जुड़े रहे अंत तक, और आप लोग को नेपाल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए फ्रेंड्स खाते थोड़ा सा नेपाल का गुपचुप, कैसा लगता है। चुके हैं और अभी रक्सौल स्टेशन के पास खड़े हैं और हमारी ट्रेन आ रही है नरकटियागंज के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अभी हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है गाड़ी और इससे हम लोग चलेंगे नरकटियागंज और वहां से आगे का ट्रिप प्लान होगा। हम लोग को वहां से जाना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान केंद्र, वहाँ से जाना है जो कि टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है।